अरे विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे बीएनएस के संदर्भ में। अरे विद्यार्थियों, एक अच्छी खबर है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपको सूचना दी है कि आपके यूपीपी का रिजल्ट नवंबर के थर्ड वीक में आने की संभावना है। संभावना शब्द इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। हालांकि हमने अपने विद्यार्थियों को बहुत पहले ही सूचित किया था कि नवंबर लास्ट में ही कुछ रिजल्ट आ सकता है और इसके बाद ही कुछ फिजिकल और मेडिकल और साथ में डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें होंगी। तो फिलहाल चीज़ें आपकी नवंबर लास्ट में ही आने की संभावना है, इसलिए उस तैयारी को बनाए रखें। जिन विद्यार्थियों के कट ऑफ के आसपास है, जो हम लोगों ने एक अपनी सूचना के माध्यम से दिया था, तो वो तैयारी बनाए रखें। फिजिकल के लिए भी, फिटनेस भी अपनी अच्छी रखें, सावधानी भी रखें और आने वाली वैकेंसी की तैयारी भी बनाए रखें। ठीक है, लगभग 45,000 सिपाही की वैकेंसी नए सिरे से आने की स्थिति है और 4,000 से अधिक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा आने की स्थिति है। ऐसे में दोनों की चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए चर्चा करते हैं बीएनएस के सेक्शन 30 की तरफ। 30 का मतलब क्या हो गया हमारे कि हम ये अब बीएनएस में जो जनरल एक्सेप्शंस चल रहे हैं हमारे, हम उनको लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास ये सेक्शन क्या कहते हैं। कहीं सम्मति की बात आती है, कहीं विकृत चित्त की बात आती है, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें चलना होगा, क्योंकि जब हम उनके अकॉर्डिंगली चलेंगे तभी हम बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आईपीसी का सेक्शन 92 है। अगर हम इसकी पुरानी किताब की बात करें तो ये आईपीसी का सेक्शन 92 है। ठीक है, इसकी मेन जिस्ट को हमने आपके लिए ले रखा है, उसी के आधार पर हम आपको चीजें को समझाने जा रहे हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, ध्यान दीजिएगा, सद्भाव पूर्वक किया गया। सम्मति के बिना, यानी अभी तक तो हम लोग सम्मति की बात करते थे कि सम्मति दी जाएगी, यहां कह दिया गया सम्मति के बिना। फिर क्या कहा गया, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए। ये पॉइंट्स आपको यहीं दिखते हैं। तीसरी बात क्या है, सद्भाव पूर्वक, यानी जो भावना है वो अच्छी है, अच्छे उद्देश्य के लिए है, गुड फेथ जिसे हम कहते हैं, किया गया कार्य। ये हेडिंग है आपकी। आगे देखिए, कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक, यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे, ध्यान दीजिएगा, असंभव हो कि वह सम्मति प्रकट करे, या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, जिससे ऐसे समय पर व्यक्ति सम्मति प्राप्त करना संभव हो सके कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। अब देखिए, कंडीशन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक ऐसी कंडीशन को इमेजिन करिए कि जहां पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई बात की जा रही है, लेकिन जिस व्यक्ति के फायदे के लिए की जा रही है वो स्वयं अपनी सम्मति देने में असमर्थ है, यानी वो खुद अपनी सम्मति नहीं दे सकता, ये दे पाना असंभव है। दूसरी बात है कि उसका कोई गार्जियन या कोई भार साधक, जिम्मेदार व्यक्ति भी अवेलेबल नहीं है, और फिर भी हमें उसके फायदे के लिए कुछ करना है तो कैसे होगा। ये एक स्पेशल कंडीशन आपके सामने उभर के आ रही है, खासतौर से जब कोई दुर्घटनाएं घटित होती हैं तो उस समय इसका बड़ा रोल होता है। अब इसके कुछ और पार्ट्स दिए गए जिन्हें मैंने नहीं आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन करके आपको नहीं पढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वर्जन क्या कहता है सेक्शन 30 के बारे में, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, नथिंग इज एन ऑफेंस बाई रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हूज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट इफ द सर्कमस्टांसिस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट और इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for
थिंग टू बी डन विदाउट बेनिफिट। अब इस कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी भाषा में, आसान भाषा में। उसे देखिए क्या कहा जा रहा है कि सम्मति, सम्मति की बात है पहली चीज। दूसरी व्यक्ति है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए है। सम्मति के बिना की बात हो रही है। तीसरी बात क्या है, संरक्षक या भार साधक नहीं है, नहीं है। चौथी बात है जिस व्यक्ति के फायदे के लिए है वह सम्मति वह जिस व्यक्ति के फायदे के लिए है वह सम्मति देने में असमर्थ है, सम्मति देने में असमर्थ है। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी की मृत्यु या घोर उपहति के आशय से नहीं होना चाहिए, आशय से नहीं होना चाहिए और ना ही इनका दुष्प्रेरण होना चाहिए, इनका दुष्प्रेरण अबेटमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए कुल मिला के कहने का पर्पस क्या है कि धारा कहती है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य हो रहा है, लेकिन जिसके फायदे के लिए हो रहा है वो स्वयं अपनी सम्मति देने में, अपनी कंसेंट देने में, अपनी सहमति देने में असमर्थ है। पहली चीज, उसकी ओर से कोई सम्मति देने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन कैसी हो गई कि कोई सम्मति देने वाला नहीं है और खुद देने में असमर्थ है, और जो जिसके प्रति बात हो रही है उसी के फायदे के, उसी के बेनिफिट के लिए बात हो रही है। अब क्या होगा, ऐसे में जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य कर रहा है उसे बचाव मिलेगा, है ना। इन कंडीशन में जो कार्य कर रहा है उसे बचाव मिलेगा, ठीक है। अब ये भी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देंगे तो बहुत तेजी से आपको समझ में आएगी। सपोज करिए घटना की तरफ एग्जांपल लीजिए और मान लीजिए तमाम आजकल क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आपने देखे होंगे, एक्सीडेंट हुआ। अब मान लीजिए कोई आदमी है वो बाइक से जा रहा है और सामने से ट्रक आ गया और ट्रक ने क्या किया, टक्कर मार दी और ट्रक वाला मार के चला गया। अब ये वाला आदमी घायल पड़ा है, जहां पड़ा है वहां कोई नहीं है, अब इसका इलाज होना आवश्यक है। हो सकता है इसके पैर के ऊपर से ट्रक निकल गया हो, हाथ के ऊपर से निकल गया हो, हाथ की सारी हड्डी सब कुछ खराब हो गया हो, तो अब इसके फायदे के लिए कोई सम्मति देने वाला भी नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं, अब क्या करेंगे। ये धारा ऐसी ही कंडीशन की तरफ इशारा करती है। तो जो इसका दृष्टांत है उसे जरूर याद करिएगा, परीक्षाओं में जनरली दृष्टांत पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपकी PCSJ की परीक्षा हो, चाहे APO की हो, चाहे HGS की हो, या कोई भी जुडिशियल एग्जामिनेशन हो, उनमें दृष्टांत को फोकस किया जाता है और आपके लेवल पर इससे ऊपर आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा जो आपको बताया जा रहा है ये आवश्यकता से अधिक है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक है। आपके दरोगा बनने में तो 100% काम आने वाला है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में आपके एग्जाम जो होने वाले हैं उनकी सीमा से अधिक है। अब हम इस सीमा निर्धारित इसलिए नहीं कर सकते कि अगर सब कुछ आ गया इस तरह का तो फिर आप ही को बनेगा, फिर किसी और को नहीं बनने वाला है। जो ये रोना रोते हैं कि मूल विधि से कुछ नहीं आएगा, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। UPPRB की वेबसाइट में जाके देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 40 क्वेश्चन में से
24 जो है आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से और मूल विधि से, और 16 आएंगे आपकी जीएस से। अब वो क्या करते हैं इस 24 में, ये तो उनके हाथ में है ना, वो संविधान कितना देते हैं, मूल विधि कितना देते हैं, ये तो अलग कंडीशन है। तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन बढ़ाना है। एक नंबर से पीछे होने का मतलब है 4-6 हजार 10 हजार लोगों में पीछे हो जाना, ठीक है। तो हर चीज पढ़नी है हमें, मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, हमें हिंदी भी खूब पढ़नी है, जीएस भी खूब पढ़ना है, संविधान भी खूब पढ़ना है, और मूल विधि की भी चीजें हैं उनको भी पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका जो दृष्टांत, उसको गौर से देखिएगा। आ या के बारे में कहा, या अपने घोड़े से गिर गया। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है या, जो क्या हुआ, अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। का एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है, एक डॉक्टर है का, उसका यह विचार है कि या के कपाल पर यानी उसके दिमाग की शल्य क्रिया करना आवश्यक है, यानी उसके ब्रेन पर, कपाल माने ब्रेन, अब चूंकि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, उसके कपाल की शल्य क्रिया करना आवश्यक है। का या की मृत्यु करने का आशय ना रखते हुए, यानी काका उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, वो डॉक्टर, डॉक्टर तो बचाने का काम करते हैं, भगवान कहे जाते हैं, तो इनका उद्देश्य मारना नहीं है, इसे ध्यान दीजिए। का या की मृत्यु करने का आशय ना रखते हुए किंतु सद्भाव पूर्वक या के फायदे के लिए या के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। अभी कंडीशन समझिएगा कि बहुत सारे लोग, मैंने भी एग्जांपल आपको दिया था कि का या तो अपनी सम्मति दे ही नहीं सकता, ये तो भाई सम्मति देने में असमर्थ है, ठीक है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है। अब ये जरूरी है कि उसका ऑपरेशन किया जाए ब्रेन का, क्योंकि हो सकता है ब्रेन में हैमरेज हो गया हो, ब्लड क्लॉटिंग हो गई हो, अगर खून जम जाता है तो ब्रेन धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देता है, फिर बॉडी बेकार हो जाती है, और एक समय आता है ब्रेन डेड हो गया, आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। अगर उस क्लॉट को निकाल दिया जाए तो ब्रेन फंक्शन कर सकता है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। अब ये तो पता है कि अगर हमने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो हो सकता है आगे इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, लेकिन अगर ऑपरेशन करते हैं तो बच भी सकता है। तो ये धारा इसी संदर्भ में है, उन डॉक्टर्स को बचाव देती है जो ऐसा कार्य करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग पड़े रहेंगे, कोई सम्मति देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग मर जाएंगे। अब वो अलग बात है कि हमने ऑपरेशन किया, हमने अच्छी कोशिश की और फिर किसी कारण से नहीं बचा, तो उसका बचाव डॉक्टर को भी तो मिलना चाहिए। अगर बच जाता तो सब बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया पढ़ाया सर आपने, आपने जो पढ़ाया पूरा परीक्षा में फंस गया, हम सिलेक्ट हो गए, और किसी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाए तो आप फिर कहोगे परिहार सर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया लेकिन हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, ये स्वीकार नहीं करेंगे, अरे यार सही समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया। ऐसा नहीं है, टीचर वही होते हैं, डॉक्टर वही होते हैं, एडवोकेट वही होते हैं जो अपना बेस्ट प्रयास करते हैं। अब कोई क्या करता है स्पेसिफिक नहीं पता, लेकिन जनरली समाज में एक आस्था बनी होती है कि डॉक्टर अपना बेस्ट करेगा, ठीक है, वकील के यहाँ जाएंगे, वकील अपना बेस्ट प्रयास करेगा जितनी उसकी योग्यता है, अध्यापक भी अपनी योग्यता के अनुसार बेहतर ही पढ़ाएंगे, यही बात यहाँ पर भी है। सफलता मिलने पर सब साथी होते हैं, असफलता का कोई साथी नहीं होता। अभी आप अपनी परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे तो यही लोग, घर परिवार समाज दोस्त मित्र मंडली सब आपकी तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करता था बच्चा, रात रात भर पढ़ा, यहाँ भाग के गया, ऐसे मेहनत की, कोई ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, कोई नशा पत्ती नहीं करता था, कुछ भी गलत नहीं करता था, बहुत होनहार लड़का था, इसके तो शुरुआत से ही लक्षण दिख रहे थे। और अगर फेल हो गया, लाख पढ़ने वाला हो, लाख मेहनती हो, लाख अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, क्या कहा जाएगा, चौपट था, बर्बाद था, अरे वहां तफरी करता था, मजे काट रहा था, तभी तो रिजल्ट नहीं आया, फलनवा का लड़का हो गया है। ये फर्क है रिजल्ट का, सफलता सब भुला देती है, असफलता सब निकाल के सामने रख देती है, जो नहीं भी किया वो भी सुनना पड़ता है। आइए फिलहाल देखते हैं, तो यहाँ पर ये धारा बचाव करती है ऐसे डॉक्टर का, तो याद रखिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है, तो ऐसे डॉक्टर को बचाव मिल जाता है इस सेक्शन में। तो हमने आपको बताने का प्रयास किया, आपने गौर से देखा होगा कि धारा 30 में हमने क्या पढ़ा,
सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य, तो बस इतना ही आपको याद करना होता है, इतना आप रट लीजिएगा, ठीक है, इतना आप रट लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें आपकी आईपीसी का सेक्शन कौन सा है, 92 है, और ये कौन सा सेक्शन है, 30 है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग अगले सेक्शन पर आ रहे हैं, आगे एक एग्जांपल और ले लीजिए तो अगले सेक्शन पर आते हैं। एग्जांपल्स इसका ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, या को, सब काम या के साथ ही हो रहा है, या को एक बाघ उठा ले जाता है, बाघ जानते ही हैं आप, टाइगर, या जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए, दूसरी कंडीशन दे रहे हैं वो डॉक्टर के अलावा, कि हमारे सामान्य जीवन में कैसे क्या हो सकता है, गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय ना रखते हुए और सद्भाव पूर्वक या के फायदे के आशय से का उस बाघ पर गोली चलाता है, का की गोली से या को, या है ये, का की गोली से या को मृत्युकारक घाव हो जाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। अब इसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये का की या की बात हो रही है, या है, ये टाइगर है, यहां पर का खड़ा है, ये टाइगर जो है इसका पैर पकड़े हुए है, अब ये देख रहा है कि अगर हम इसको गोली मारते हैं, ये जानता है का कि अगर हम गोली मारते हैं बाघ को तो हो सकता है कि इसको कुछ चोट वोट लग जाए, ऐसा दिमाग में है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके फायदे के लिए कुछ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल दबा पड़ा हुआ है, ऐसे वो दबाए है, और इसने यहां से गोली चलाई और ये गोली बाघ को लगी और इसने छोड़ दिया, लेकिन इसी के टांग में गोली लग गई। तो अब कल के दिन या कहे कि भैया हमको गोली क्यों मार दी आपने, अरे गोली नहीं मारी होती तो तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे हो गया होता, आज मर गए होते तुम, खा गया होता तुमको वो। तो ये धारा उस लोग, उन लोगों के बचाव के लिए भी कार्य करती है जो किसी के फायदे के लिए कार्य कर रहे हैं। अब ये कोई अनजानापन नहीं है, जान रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ना तो ये बचाव में ये कुछ कर सकते हैं, ना सम्मति दे सकते हैं, ना इनकी ओर से कोई सम्मति दे सकता है, पहले कंसेंट लेटर साइन करिए गोली चलाऊं या नहीं, अरे पहले देखेंगे बचाव कैसे होगा। बचाव में जो भी किया गया उसके लिए कहा गया काने कोई अपराध नहीं किया, तो इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिखाने का प्रयास किया, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमने आपसे बातचीत जो की उसको गौर से करेंगे, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए तेजी से फटाफट, ताकि दोनों एग्जाम्पल्स भी आपके दिमाग में रहें और चीजें भी आपको दिमाग में रहे। मैंने 30 सेक्शन पढ़ा दिया आपको, अब 30 के बाद हमने आपको इसमें बताया था कि सम्मति के बिना हो, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब इस लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब आइए, ये सारी चीजें मैंने आपको नोट कराई कि सम्मति के बिना हो, फायदे के लिए हो, संरक्षा के आभार साधक नहीं है, इन सब बातों को दिमाग में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया, एग्जाम्पल में घोड़े वाला एग्जाम्पल एक आपके सामने आया है, और दूसरा जो है आपके पास एग्जाम्पल बाघ वाला आया है, बस दो को दिमाग में रखिएगा तो काम हो जाएगा हम लोगों का। आइए अब अगली धारा पर एक नजर डाल दीजिए, यह है आपकी धारा 31, और आईपीसी की धारा की अगर हम बात करें तो ये धारा है 93, ठीक है, 93 बहुत छोटी सी धारा है लेकिन याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गई है, यदि वह व्यक्ति उस फायदे, यदि उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। कुछ बातें निकल करके आ रही हैं, पहली तो बात क्या है, सद्भाव पूर्वक शब्द निकला हमारे पास, संसूचना निकला, फिर हमने अपहानि को देखा और उस व्यक्ति का फायदा देखा। आइए इसको हम देखते हैं कि करके, तो पहली चीज हमारे सामने क्या आई, कि पहली बात तो आई कि कोई संसूचना है, संसूचना, ठीक है, दूसरी बात निकल कर आई फायदे के लिए,
तीसरी बात निकल करके आई अपहानी, ये तीन बातें निकल करके हमारे सामने आई। और चौथा अगर हम देखें तो जो सब हर जगह आ रहा है पूरे जनरल एक्सेप्शन में, वो है सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ। ठीक है, तो ये बातें हमारे सामने हैं कि अगर कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक कोई संसूचना देता है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, तो उस संसूचना से अगर कोई अपहानि हो जाती है तो उसका बचाव मिलेगा, यही कहा गया है। यानी कोई अगर हम सूचना देते हैं और सूचना के कारण आपका कुछ डिस्टर्ब होता है, जबकि हमारा उद्देश्य आपको सूचित करना था भैया ये चीजें हैं, आप देख लीजिए कैसे क्या है और आप उसको संभाल लीजिए, तो उद्देश्य हमारा क्या है कि हमने आपको अच्छे के लिए सूचना दी और उसकी वजह से आप कहीं अगर प्रभावित होते हो तो उसके लिए बचाव मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। इसका भी एग्जांपल कई पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रोफेशनल मैटर्स में आता है। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। का एक शल्य चिकित्सक, एक डॉक्टर एक रोगी को सद्भाव पूर्वक यह संसूचित करता है, एक रोगी को, ध्यान दीजिएगा, एक रोगी को सद्भाव पूर्वक यह बताता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। डॉक्टर ये कहता है कि उसकी राय है कि वो जीवित नहीं रह सकता, यानी उसकी जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आ रही। इस आघात के परिणाम स्वरूप, यानी जैसी उसको सूचना मिली, उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। काने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से रोगी की मृत्यु हो जाना संभाव्य है। अब इस बात को समझिए, ये क्या कह रहे हैं कि एक डॉक्टर है, उसने अपने पेशेंट को रिपोर्ट्स वगैरह देखी होंगी, उस आधार पर इसको सूचित किया या संसूचित किया, कि अब इसका जीवन जो है ज्यादा दिन नहीं है, जीवन ज्यादा नहीं है। तो ये सूचित करने का उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होगा ना कि भैया आपके पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ऐसी स्थिति है, आपके जो भी काम बिगड़े हों या जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उसको आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये तो अंतिम सत्य है। इस पृथ्वी का अगर कोई अंतिम सत्य है तो वो है मृत्यु। अगर हम जीवन में देखें तो कोई कहता है ये चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए, हम ये कर लेंगे, सच्चाई ये है, सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मृत्यु क्या है? अंतिम सत्य है। मैन इज मॉर्टल, हम सभी लोगों की मृत्यु होना है, इस धरती पर जो भी जीव आया है उसकी मृत्यु होना है। तो मृत्यु क्या है? अंतिम सत्य है। अगर हम समय से आपको ये सूचित कर देते हैं, एक डॉक्टर होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते, कि भाई आपकी स्थिति ऐसी है, आपका जो है ये मुकदमा हम हार जाएंगे, इसमें रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं, और आप सुन करके घबरा जाइए, मर जाइए, या आपके अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी है, हमने आपको बताया कि आपके अकाउंट्स में गड़बड़ी है, मैं आपका CA हूं और देखिए यहां पर आपको जो है दिक्कत होने वाली है, या GST की रेट पड़ जाएगी, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, आपका इतना बड़ा मामला छिपा हुआ है, और उसको सुन करके कोई आदमी उसको हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए, तो क्या है? सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना है ना ये, इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं। हाँ, हम ये जानते हैं कि आपकी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का मुकदमा, आप अगर हार जाओगे तो हो सकता है आप मरी जाओ, क्योंकि फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बताएं। इसीलिए धारा बनी हुई है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, और उसके बारे में भी बताना जरूरी था डॉक्टर को, इसलिए उसने बताया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक अच्छा एग्जाम्पल है कि सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। इससे इसके बारे एक बार हेडिंग को देख लीजिए आप, हेडिंग क्या कहती है गौर से देखिएगा, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना क्या है? सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानी के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। क्लियर हो रहा होगा अब आपको, इस बात को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है, और आज 3 नवंबर है, आज रात्रि 12 बजे तक
ये ऑनलाइन कोर्सेज में जो हम लोगों ने ऑफर निकाला था वो चल रहा था, जिसमें 599 करके यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स था और 499 आपका मूल विधि और संविधान करके ऐसे कोर्सेज थे। तो ये ऑफर आज रात तक है, जिन विद्यार्थियों को लगता है कक्षाएं ज्वाइन करना चाहिए वो ज्वाइन कर ले, और बाकी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करें। 5 तारीख से, 5 नवंबर से प्रॉपरली क्लासेस आपकी आ जाएंगी, प्रॉपर क्लासेस एप्लीकेशन पर आ जाएंगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी। ठीक है, और समय समय पर चीज़ें यहाँ पर भी आती रहेंगी, इसके भी आपके टेस्ट आएंगे तो वो भी आपके पास आते रहेंगे, तो जो भी चीज़ें आपके सामने हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, सभी लोग आपके पास आ जाएंगे। जो चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देनी है वो रिकॉर्डेड मिलेंगी, जो लाइव देनी है वो लाइव मिलेंगी, ताकि आपकी तैयारी समय से बनी रहे। ठीक है, और एक बेहतर प्रयास हम लोग कर सकें। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम लोगों ने इन सेक्शंस को पढ़ा है, कल जनरल एक्सेप्शन का ये वाला पार्ट जो सम्मति से जुड़ा था कंप्लीट हो जाएगा, और परसों हम लोग आ जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में, और वह है राइट टू डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस RP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो तरह की चीजों के लिए पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे शरीर के लिए और दूसरा हम पढ़ेंगे संपत्ति के लिए। हम लोग इस संदर्भ में पढ़ेंगे कि हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है, ये भी एक्सेप्शन का ही पार्ट है, और इसे हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। एक सामान्य जीवन में भी जानना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि हम दरोगा की भर्ती हैं, वैसे भी ये तो पता ही होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है, हम कहाँ कहाँ अपना बचाव कर सकते हैं। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, उम्मीदों को लेकर जीवन में चलिए, ताकि हम बेहतर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।